हाय स्टूडेंट, जीआरटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग फिर से सीखने वाले हैं कि सैलरी शीट बनाया कैसे जाता है और इसके लिए क्या स्टेप है। तो पिछले क्लास से हमने कुछ सीखा था। तो देखो, सबसे पहले हमें ओवर टाइम जो हमने लिखा है घंटे में, दिख रहा आपको ना? अब यह तो हमने लिख दिया है, लेकिन अगर आते हो और जहां पे आप डाटा बनाए हो, और अगर मैनुअली अगर आप लिखते हो, जैसे मान लो लिख दिया 20 स्पेस दिया HRS लिख दिया, फिर से लिखा 50 स्पेस दबाया HRS लिख दिया। अब दिक्कत क्या होती है कि अगर मैनुअली आप लिख देते हो और लिखने के बाद जब आप इस पे कैलकुलेशन करते हो, जैसे इक्वल किए, सम किए, ब्रैकेट को ओपन किए, और यहां से लेकर यहां तक अगर हम सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट को बंद करते हैं, इंटर दबाते हैं, तो आएगा 0। और रियल में इसको आना चाहिए 80 घंटे, लेकिन ये 0 मान रहा है। इसलिए मान रहा है क्योंकि हमने देखो नंबर भी लिखा है और टेक्स्ट भी लिखा है, तो इसको समझ नहीं पा रहा है कि हम क्या कैलकुलेशन करें, योग करें तो किसका करें, नंबर का या टेक्स्ट का। इसीलिए दोनों एक में लिखा है तो ये कैलकुलेशन संभव नहीं होता है। तो अगर आप भी अगर आज जाओगे और जितने घंटे काम किए हैं अगर चढ़ा दोगे ऐसे, और चढ़ाने के बाद से जब सैलरी निकालोगे घंटे के हिसाब से, इतना घंटा काम किया तो क्या सैलरी बनेगा, तो उसका भी बैलेंस 0-0 आएगा। तो सबसे पहले लिखने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। मतलब जब अगर कोई वैल्यू देते हो और उस वैल्यू के साथ कोई यूनिट देते हो, जैसे मान लो 20 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर, तो LTR लिखोगे शॉर्ट में। आ तुम सोच रहे हो कि कितना लीटर टोटल है, अगर वह जोड़ के पता कर ले तो ऐसा संभव नहीं है। और अगर आपने लिखा है 10 kg, 5 kg, 1 kg, 2 kg और मैनुअली लिख दिया है और उसको जोड़ दो, ये संभव नहीं है। मैनुअली कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई फार्मूला काम नहीं करेगा। तो अगर तुम सोच रहे हो लिख भी दें और फार्मूला भी अप्लाई हो, कैलकुलेशन भी हो जाए, तो उसके लिए आपको फॉर्मेटिंग चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो जिस सेल में आपको लिखना है आप उस सेल को सेलेक्ट करिए और आ जाइए नंबरिंग फॉर्मेटिंग, ये हम पढ़ाए थे आपको। और नंबर फॉर्मेट पे आने के बाद से आना है आपको कस्टम में। कहाँ पे आना है? कस्टम में। और कस्टम में आने के बाद से यहीं पे देखो ऑप्शन दिखा दे रहा है जनरल, दिख रहा आपको? इसको यहाँ पे क्लिक करके और बैक स्पेस दबा के हटा देंगे। और बैक स्पेस दबा के हटाने के बाद से हम लिखेंगे यहाँ पे हैज। क्या हैज? मतलब कोई वैल्यू ले लेगा। स्पेस दबाएंगे और डबल यूनिट कामा करके यहाँ पे जो लगाना है वो लगा देंगे। मान लो घंटे में दिखाना है तो वो ले लिया, केजी में दिखाना हो तो केजी लिखते, पीसेस में दिखाना हो तो पीसेस लिखते, ग्राम में दिखाना हो तो ग्राम लेते। मतलब जिस यूनिट में उसको मेजर करोगे वो यूनिट आप लिख दोगे। तो अभी हम तो घंटे पे कैलकुलेशन करने वाले हैं, इसीलिए हम यहाँ पे कर देंगे। ओके, बैठ जाओ बाबू। ओके, कर दिया। अब फायदा क्या होगा? अब जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे टाइप किए और यहाँ पे लिखूंगा मैं 20, बस 20 लिखा हूं,
आगे स्पेस भी नहीं दबाऊंगा, नंबर मतलब आपको ये 4S भी नहीं लिखना है, इंटर दबा देना है तो 20 घंटा आ जाएगा। 10 जहां तक सेलेक्ट किए वहीं तक काम करेगा। कहां तक किए थे? पूरे कॉलम में किया था क्या? जरा पहले लगाए हैं इसीलिए ऐसे कर रहा है। पहले कहीं पूरे कॉलम में लगा चुके हैं इसीलिए अप्लाई हो रहा होगा। देखो इसमें नहीं है अप्लाई हो रहा है नहीं, मतलब कभी किसी बैच में पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे यहाँ तक सेलेक्ट करके। ठीक है, मतलब जहां तक सिलेक्शन रहेगा वहीं तक काम करेगा, इतना ध्यान रहे। अब आप बताओ, अभी मैं जोड़ा था तो 0 आ रहा था, और इस बार देखो मैं जोड़ रहा हूं, तो यहाँ पे बस कुछ मत करो, इक्वल करो और सम करो। अब आप पूरे वैल्यू को सेलेक्ट करो, अब देखो बताएगा कि हमारे यहाँ 62 आवर्स काम हुए। तो समझ रही बातें आपको? मतलब जब तक आप चेंज नहीं करोगे, आप वहां पे कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, ओवर टाइम नहीं निकाल पाओगे, तो आप लोग को भी मैनुअल ही नहीं लिखना है। क्या करना होगा, जहां पे हम ये लिखे हैं ओवर टाइम का हेडिंग, और आप लोग बना भी लिए होंगे, अगर नहीं बनाए होंगे तो बहुत अच्छा है, आप फॉर्मेट चेंज कर देना, अगर बना लिए होंगे तो सब डिलीट कर देना। ठीक है, और डिलीट देख लो जैसे किया, यहाँ पे क्या हो गया, सब 0 आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद से अब हम आएंगे कहाँ पे, नंबर फॉर्मेट पे और कस्टम में और हैज, और लिख देंगे हो जाएगा, कर देंगे ओके, और उसके बाद से लिखेंगे 40 आवर्स, जो लिखते जाओ जितना घंटा काम किया। फार्मूला लगाए अपने आप निकलता है, क्लियर है? तो आप लोग कर ले जाओगे, ये करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। अब चलिए, अब हम निकालते ओवर टाइम सैलरी। क्या निकालते हैं? ओवर टाइम सैलरी। अब देखो ओवर टाइम सैलरी के लिए क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे इक्वल, बेसिक सैलरी कितना था वह सेलेक्ट करेंगे। ध्यान दो, बेसिक सैलरी है वह सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये बेसिक सैलरी कितने का है? 3 दिन का जी। अब 30 दिन ले लिया, फिर से डिवाइड करेंगे कि कितना घंटा उस कंपनी में काम हो रहा है। तो कुछ कंपनी 8 घंटा काम कराती हैं, कुछ 12 घंटा, अपना अपना रूल बनाए हैं सब, जो सहमत काम करता नहीं है नहीं करता है। तो सपोज वहां पे जो काम होता है 8 घंटा काम होता है, कितना जी, तो हम फिर से डिवाइड करेंगे, 30 दिन होता है लेकिन डेली कितने घंटे, तो यहाँ पे करेंगे डिवाइड 8। उसके बाद से करेंगे इनटू कितना घंटा काम किया, अब उसको सेलेक्ट कर लेंगे, बस इंटर दबा दें, तो निकल के आ गया 4,166 रुपये का ओवर टाइम किया है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप। सबका निकल के आ जाएगा, मतलब कौन कितना घंटा काम किया निकल के चला। इसमें किसी कोई दिक्कत? हाँ, कई लोगों के मन में भी सवाल चल रहा होगा, टॉपिक है वह है ग्रॉस सैलरी। अब यह ग्रॉस सैलरी कैसे कैलकुलेट होगा, यह समझिए, हम करेंगे इक्वल, क्या करेंगे इक्वल, और इक्वल करने के बाद ध्यान से सुनना, इक्वल करने के बाद हम करेंगे क्या, जो हमारा सैलरी आया इस महीने का वह प्लस जो एचआरए आया है वह प्लस जो डीए मिला है वह प्लस जो टीए मिला है वह प्लस
और जो ओवर टाइम सैलरी हमारा बन रहा है वो इंटर दबाने के बाद जो ये वैल्यू आ रहा है, इसी वैल्यू को बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। देखो रियल में इनको मिला था इतना ही, लेकिन सब बढ़ के इतना आ गया। अब होता क्या है ये ग्रॉस सैलरी? तो देखो ग्रॉस सैलरी जो आपका बेसिक सैलरी के हिसाब से सैलरी बनता है, और जो कंपनी के द्वारा जो आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं, वो दोनों जब बैलेंस जोड़ देते हैं उसी बैलेंस को बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। लेकिन ये गवर्नमेंट उतना पे नहीं करता है, गवर्नमेंट नहीं मतलब जो किस कंपनी में काम कर रहे हो आप लोग, ठीक है, वो इतना पे नहीं करता है। क्या होता है, उस ग्रॉस सैलरी में कुछ पैसा डिडक्ट भी करता है, कटौती करता है। मतलब इतना सुविधा दिया तो जाहिर सी वो तो ब्रांडेड कंपनी है, तो कुछ और भी आपको सुविधा देगा, वो आपके लिए देगा, वो पैसा अपने पास नहीं रखेगा, लेकिन तुरंत नहीं देगा, कुछ टाइम के बाद देगा। जैसे आप नाम सुनोगे पीएफ, प्रोविडेंट फंड, नाम सुने हो ना, इसे ईपीएफ भी बोलते हैं, इम्प्लाई प्रोविडेंट फंड कहते हैं हमको, तो हमारा तो पीएफ भी कटता है, ठीक है। तो कोई लेने समझता क्या मतलब है, मतलब पीएफ कटने का मतलब अगर सपोज मान लो हमारा सैलरी 12,000 है, और वह कंपनी क्या कर रहा है 10% डिडक्ट कर रहा है, कितना परसेंट 10%, तो 10% मेरे सैलरी से काटेगा और 10% वो खुद कंपनी देगा। मतलब हर महीने में हमारे नाम से 2,400 रुपये जमा होगा, वो मेरे खाते में नहीं जमा होगा, एक उसका एम्प्लाई प्रोविडेंट फंड का एक अकाउंट खुलता है, उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, वहां पे वो कंपनी वाला पैसा जमा करता था। मतलब आपके सैलरी से 1,200 काट देगा, वो अपने कंपनी खुद देगा, आपके सैलरी से नहीं देगा, वो खुद देगा 1,200, वो अब 1,200 मेरे सैलरी से लेगा। हर महीने में 2,400 रुपया आपके नाम से जमा होगा, लेकिन उसको जब मर्जी तब नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ रिक्वायरमेंट होंगे, कुछ लिमिट होंगे कंपनी के, और सबको पीएफ नहीं मिलता है, ठीक है। तो कंपनी थोड़ा अच्छी होती है, आप ज्यादा दिन से काम करते हो, ठीक है, तो वहां पर मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो फायदा आपके लिए है। अगर उस कंपनी में 4-5 साल लग गए तो जब छोड़ोगे तो कई लाख रुपया निकल के आए, ये कहते अरे यार हमारा पीएफ मिल गया तो ये काम कर लिया हम, ठीक है। मैक्सिमम कंपनियों में होता है, ठीक है। तो वो पैसा जो ग्रॉस सैलरी है, ध्यान देना, जो ग्रॉस सैलरी है और जो पीएफ अमाउंट कटेगा, मतलब जो कंपनी काट के और पैसा जो जमा करेगा ईपीएफ के अकाउंट में, तो आपके इससे काटेगा, तो आपके बेसिक सैलरी से काटेगा, आपका क्या बेसिक सैलरी है उसी से 12% डिडक्ट कर लेगा, 14% डिडक्ट कर लेगा, 10% डिडक्ट कर लेगा, मतलब जितना रूल हो उस कंपनी का, मतलब मैक्सिमम कंपनियों का पीएफ का रूल है 12%, ठीक है, तो 12% उस सैलरी का काट लेगा, उसके बाद एक और डिडक्ट करता है ईएसआई, इम्प्लाई स्टेट इंश्योरेंस। अब नहीं कहते अरे यार इनका इंश्योरेंस कराया गया था, तो इस कंपनी के थ्रू अगर किसी कारण से अचानक कुछ हो जाता है तो आपको देखते हो मिलता है कैसे ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। या आप लोग उस कंपनी में हमेशा परमानेंट काम करते हो, तो कंपनी ऐसी ऐसी कंपनियां कहते हैं अरे यार खाना पीना दवा ववा सब कुछ देता है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ पैसा काटता है, डिडक्ट करता है, उसे बोलते हैं ईएसआई, आपका इंश्योरेंस कर देता है कि इनकेस अगर आपका किसी कारण से आपका डेथ हो जाता है तो आपके फैमिली को कुछ पैसे मिलेंगे, ऐसा हो ना, ठीक है, फिर भी वो डिडक्ट करता है एक सुविधा के अनुसार। हम लोग बीमा कराते हैं, ये जान के कराते हैं अगले दिन चले जाएंगे, इन कराते हैं, ठीक है। एक गाड़ी 1 लाख रुपया खरीद लेते उसका बीमा कराना पड़ता है, नहीं कराएंगे तो चालान कट जाएगा, ठीक है। तो यही रूल है ईएसआई, तो ये बहुत ज्यादा नहीं रहता है, 2% से कम ही रहता है, कितने परसेंट से, 2% से कम ही रहता है। अब पीएफ अमाउंट और ईएसआई अमाउंट दोनों जोड़ के जितना ग्रॉस सैलरी अमाउंट आता है उसे माइनस कर देते हैं, और माइनस करने जो पैसा बचता है उसे बोलते हैं नेट सैलरी, वही उस महीने वो कंपनी आपको पे करता है। मतलब इतना सुविधा देने के बाद से ये भी आपका सुविधा ही है, लेकिन कुछ टाइम जब मिलता तो नहीं दिखता, तो जब कटता तो कहता है यार कार दिक्कत है, हमारा सैलरी कट जा रहा है, कंपनी वाला देता तब ना, अगर एक बार कटा 2 लाख 3 लाख मिलता है तो कहता अच्छा अब अच्छा है, ठीक है, तो ये आपके लिए काटता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके सैलरी से डिडक्ट होता है, दिखाएगा, ऐसा नहीं करना, नहीं हम 2 महीने के बाद देंगे, 3 महीने के बाद देंगे, हम देवे नहीं करेंगे, हमको नहीं पीएफ चाहिए,
तो जाओ सब घर वालों, ठीक है, मतलब कंपनी का रोल है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। तो कहेगा कोई बात नहीं, तो हम कोई सुविधा नहीं देंगे, काम करना उतना सैलरी देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको करना पड़ेगा। तो करके दिखाएं, ते ग्रॉस सैलरी मतलब सुन रहे हो ना, ग्रॉस सैलरी मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है कि इस महीने में हमको कितना पैसा मिलेगा, काटने के बाद जो पैसा जो नेट आता है उसे बोलते हैं नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी मतलब कुछ सर्विसेज हमारे हैं, कुछ कंपनी के हैं, सब जोड़ने के बाद से जो सैलरी बनता है उसे बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। उस महीने में उतना पैसा पे नहीं होता है, मतलब पता चलता कितना सैलरी बन रहा है, उस कंपनी काटता भी, और काटने के बाद जो सैलरी बचता है उसे बोलते हैं नेट सैलरी। वो आपके अकाउंट में, या आपको कैश मिलता हो कैश, और मुझे लगता है कैश मिलता नहीं है, मैक्सिमम कंपनियां केवल अकाउंट में भेज दे रही है, अपना बैलेंस चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, क्या रूल है, ध्यान से सुनिए समझिए। क्या हो गया जी, इसके लिए क्या करूं मैं, अब पीएफ निकालना हमको, प्रोविडेंट फंड, तो करूंगा इक्वल जो बेसिक सैलरी है वो सेलेक्ट करूंगा इनटू, ये नहीं करना, इसका जो 78,000 है उसी का जोड़ दीजिए, ठीक है, तो बहुत पैसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 12 जितना परसेंट वो ले लेंगे डिवाइड बाई 100, देखो तभी 3,000 आया। अब बताओ ना, इस इम्प्लाई का 3,000 यह देगा और 3,000 कंपनी देगा, 6,000 साल में देखो कितना लाख रुपया जमा हो जाएगा, 1,000 लाख जो भी है कैलकुलेशन कर लेना, लगभग 72,000 रुपया होगा। अब बताओ ये 3-4 साल लोगे तो कई लाख रुपया निकल जाएगा, बोलिए, बस ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये मनमान भी नहीं है, जो मर्जी निकाल लो। हाँ हाँ हो जाएगा बाबू, निकाल लोगे? अरे उसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, टाइम लगेगा, खाते जैसा नहीं निकाल लेंगे जब मर्जी। हाँ चलिए, उसके बाद से यहाँ पे ESI दिख रहा है, क्या करेंगे, इक्वल बेसिक सैलरी इनटू, ये ESI बहुत कम लगता है, 2% से 3% से कम ही रहता है, तो हम लिख देते हैं 1.05 है यहाँ पे, जितना उतना ले लेंगे, और डिवाइड बाई 0.5, डिवाइड बाई 100, तभी इतना आ रहा है, देखो हेल्थ के लिए इतना ले रहा है हर महीने, बस यही पैसा आपका नुकसान होता है मुझे, मेरे देखने से वो भी नहीं होता है, तो बिना बीमारी का चेक कराने लगते हो अगर सुविधा मिल जाए तो। चलिए उसको इक्वल करेंगे उसका नेट सैलरी, तो जो ग्रॉस सैलरी है उसको सेलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे पीएफ अमाउंट, माइनस करेंगे ईएसआई अमाउंट, अब उसके बाद से जो बचेगा लगभग इनका 27,238 रुपया मतलब क्या है, कंपनी पे करेगा, मतलब इनका देखो इनका आ रहा था 78,700, लेकिन कंपनी काटने के बाद से लगभग 7,200 या 630 या तो 70 मिला इनका, बहुत है, ठीक है, वहां तक जाने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, हो जाएगा जी, निकाल ले जाओगे, कोई दिक्कत, चलिए लिख लीजिए इसको। हाँ 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 बता रहे, सब बता रहे, इक्वल सैलरी प्लस HR DA TA ओवर टाइम, बस सैलरी पीएफ के लिए इक्वल बेसिक सैलरी इंटू 12 डिवाइड बाई 100 ESI इक्वल
हाँ